विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा, निर्णय होगा और माननीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जी नक्श लेके जाए तो विधायकों के उसमें तय होता है, विधानमंडल प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि 5 बजे बैठक है, उसके बाद तय हो जाएगा। जद्दोजहद चली, 11 दिन आज हो गए, कोई जद्दोजहद नहीं, और जो पार्टी का नीति और रीति है उसी के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस प्रकार प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। कैसा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है सर राज्य में? चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे जो बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद में क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प था ये विनोद, जिस तरीके से वो मुस्कुराते हुए लिफ्ट के भीतर चले गए और जिस निजी होटल में पर्यवेक्षक मौजूद है वहीं की ये तस्वीरें थी और तीरथ सिंह रावत भी वहीं मौजूद हैं और कुछ खास साझा नहीं किया और मुस्कुराते हुए जिस तरीके से वो निकले हैं, बड़ा दिलचस्प था ये विनोद। बिल्कुल सुनीलता, देखिए अब थोड़ा इंतजार है, करीब आधा घंटे बचा है विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने में और थोड़ी देर बाद में इसी प्रांगण से जो दोनों पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी अभी निकलेंगे और ये काफ़ी फिर पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा और इंतजार सभी को है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे ठीक अगर बात करें तो इसी प्रांगण में तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होगा और जिसके हाथ में राज्य की तमाम तस्वीरें जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो हर एंगल पे नजर है, बीबी गंगा की टीम तो हर एक चप्पे चप्पे पर तैनात है और जिस तरीके से होटल के इस लॉबी की तस्वीरें आ रही है, पर्यवेक्षकों के साथ बड़े नाम मौजूद हैं और जिस तरीके की गहमा गहमी अभी भी होटल में बनी हुई है, उधर मुख्यालय में लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं, विधायकों के जाने का सिलसिला है, तो क्या जो लोग होटल में मौजूद हैं वो साथ साथ ही निकलेंगे और पहुंचेंगे मुख्यालय तक? सुनीलता, देखिए अभी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, या अगर सबसे पहले बात कर ली जाए उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन राजनाथ सिंह के साथ में मौजूद है, मीनाक्षी लेखी उनके साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है और अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। और जैसे हमने पहले भी अपने दर्शकों को अपडेट किया था कि करीब जैसे ही 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, राजनाथ सिंह और दोनों पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे और रायशुमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में करेंगे, चाहे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो या फिर अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तीरथ सिंह रावत अभी पहुंचे हैं और जो सूचना मिल रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अभी इसी होटल में मौजूद हैं, उनसे भी रायशुमारी हो रही है। और देखिए अधिकांश फाइनल तो नाम हो चुका है लेकिन अभी एक अनौपचारिक तरीके से रायशुमारी की जा रही है, इंतजार इस बात का है कि आधे घंटे के बाद में इसी प्रांगण से पार्टी के प्रदेश कार्यालय वो पहुँचेंगे।